प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, सबको जय मसीह की। जैसे कि आप सब जानते हो कि इन दिनों खुदा के दास आत्मा की अगुवाही के द्वारा अलग अलग एरिया में विजिट कर रहे हैं। जैसे खुदावंद का पवित्र वचन भी हमें बताता है कि यीशु मसीह आत्मा की अगुवाही के द्वारा नगर नगर गांव गांव परमेश्वर के राज्य की खुशखबरी का प्रचार करते थे और बीमारों की बीमारियों को और दुर्बलताओं को दूर करते थे। वैसे ही हॉली स्पिरिट की अगुवाही के द्वारा परमेश्वर के दास फाजिलका के पास जलालाबाद में पहुंचे और वहां पर उन्होंने विजिट की। तो आइए देखते हैं उस समय के सीन को। प्यार जिहड़ा साडे अंदर आ है होना चाहिए। ये कदों आता है? पवित्र आत्मा के द्वारा। बाइबल च लिखिया रोमियो च तुहाडे अंदर परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा अपना की पाता प्रेम, क्योंकि परमेश्वर कौन आ? प्रेम आ। इसलिए ये मसीह जीवन आ। मसीह जीवन का मतलब एक पवित्र जीवन, एक खालस जीवन, एक प्योर जीवन, जिहदे विच साडे अंदर जिहड़े पाप के गुण ने, बुरे गुण ने, है ना। इंसान यीशु मसीह में जो आता है उस तो पहला उसके अंदर की होंगे ने बुरे गुण। किहड़े गुण? बुरे गुण होंगे ने। लेकिन जिहड़े साडे बुरे गुण ने वो यीशु मसीह चढ़िया ही क्रूस ते इसलिए ताकि पापी मनुष्य जिहड़ा बुराई नाल भरिया आ वह मरे ना, उन्हूं जीवन मिले। आमीन। यीशु मसीह क्रूस ते क्यों चढ़े? मतलब कि जिहड़ा पापी मनुष्य है, जिहड़ा पाप नाल ते बुराई नाल भरिया आ, वो मरे ना बुराई के कारण, पाप के कारण, उन्हों की मिले जीवन मिले, है ना। मनुष्य पृथ्वी ते की कर रहा है? अपन प्रॉब्लम्स के लिए की कर रहा मनुख? बोलो, इधर उधर जाता है या नहीं जाता? हर जगह कोशिश करता मेरा इतों भला हो जाए, मेरा इतों भला हो जाए, मेरा इतों भला हो जाए। तो मनुष्य की करता? अपनी प्रॉब्लम के लिए बहुत जो भी वो सोच सकता, जितों तक भी वह हथ पा वो उतों तक जाता कि मेरा की हो पला हुए। इस पूरी दुनिया का ना, पूरी दुनिया का जोड़ा लास्ट राह है ना, वो यीशु ही है। पता है या नहीं पता? बंदा जब तक वो बस में है भी उत्थे चल जू, इतें चल जू, पैया कर चलो फटफड़ फ, मैं नहीं जाता यीशु च, लै तो रंबल ना मैं अपना इतना फटफड़ फटफड़ करता है ना। जो कुछ समझ नहीं आती की करना, फिर हार के लास्ट सोचता नहीं वेख ही लेनी यीशु च। किन्या नाल इदा आया?
लगभग सारे नाल ही होया। बोलो होया ये नहीं होया। मैं अपनी लाइफ तुहानू दसदा छोटी जी गवाही। मैं यीशु तो नफरत करता ही क्योंकि मेरे दिमाग च ही कि वह गोरियां दा रब आ। वह गोरे जिन्होंने साढ़े देश से की किया राज किया, इसलिए मैं यीशु तो नफरत करता ही। लेकिन जो मैं यीशु विच आया फिर मैं पता लगा यीशु कौन है। जो दूरों दूरों के बारे सुनिया बड़ा ही गुस्सा ही वो समझते नहीं समझते। मैं तुम्हें दसना चाहना मैं यीशु च आन तो पहला मसीह विरोधी बंदा सी, लेकिन मेरे उत्ते ना ब्लैक मैजिक हो गया, काला जादू। बड़ी तकलीफ होंदी है जो दुष्ट आत्मा अंदर काम करदी है, जो जादू है ना। जादू का मतलब ही है दुष्ट आत्मा। क्योंकि जेडे एक सियाने बाबे ने, तांत्रिक बाबे ने, ये दुष्ट आत्मा नू उन्हां दी पूजा करदे ने, उन्हां दी बंदगी भक्ति करदे ने, उन्हां नू बुलांदे ने, फिर आंदियां ने, फिर उन्हां नाल गलबात हुंदी आ, उन्हां दे अगे इदां उन्हां नू खुश करन लई उन्हां नू उन्हां दी भेटा दे के है ना किसी का भी नाश कराउंदे, पिछे ला दिंदे ने। इहनू बोलदे काला जादू। की बोलदे ने? काला जादू। तो मेरे उत्ते कर दिता ना। उस तो बाद मैं बड़ी दुख च रहा, तकलीफ च रहा, मौत तो भी ज़्यादा बदतर हालात। मेरा परिवार मैनू है ना पता नहीं कितने कितने लैके तुरदा फिरदा रहा। चलो कितों छुटकारा मिले, पहला धार्मिक स्थान, सारे इधर उधर दुनिया च फिरदे रहे, कभी ठीक हो गए, फिर विचो बीमार, मतलब बुरा ही हाल। उस तो बाद जो नहीं गल बनी फिर पंडित सियाने बाबे इन्हां दे पिछे तुर पे, फिर वह कह फलाने ने किया, टिंगड़े ने किया, एक ने दसिया भी वह दुष्ट आत्मा के द्वारा वेख के दस सकते हैं भी कितों किदा होया। जो सही दसिया उन्होंने भी उन्होंने पूरा मैं दसिया कि इतों तो इन्हों ने बुलाया, इदा होया, इदा होया, इदा होया, तो कई कुछ सियाण ने दस दिता। लेकिन उस तो बाद मेरी प्रॉब्लम का हल नहीं। कई बार यीशु मसीह की गल तो आई सामने, लेकिन गुस्सा ही बड़ा ही यीशु मसीह के उपर, इसलिए मैं सुनना ही नहीं चाहता। लेकिन सियाणिया ने जिदा 10,000 लिया तो 4 महीने ठीक हो गए, फिर बीमारी, फिर हालात। उन्नी दिन जो मैं बड़ी प्रॉब्लम में ही बचों ठीक भी हो जाता है थोड़ा चिर, मेरी शादी हो गई। मतलब मैं अपनी मर्जी के नाल, मैं नहीं जानता परमेश्वर ने कि वह कानून की है, मैं संसारिक ही, मेरी शादी हुई जिस लड़की नाल। ते उस तो बाद मेरा एक बेटा होया पहला। वो जो बेटा होया ना, मेरी मेरे उत्ते जो प्रॉब्लम सी उहदे उत्ते भी आई, उन्हूं भी मैं सियाणियां ते लैके गया। मैं सोचता ही इतों ठीक हो जाए, अज्ञानता विच सी ना, नहीं जानता परमेश्वर कौन है, सच की है। लेकिन वो अटैक जो उन्होंने देखता ही, मैं एक मिनट चुनु दौरे पैने, एक मिनट के मुझे झग आनी, बुखार 104, महंगा ट्रीटमेंट, महंगी दवाई, कोई रुकता नहीं बुखार। मैनू वधिया वधिया डॉक्टर्स ने बोलिया कि अगर एक 105 ते गया तो डैथ हो जानी है। मेरे अंदर बड़ा डर बह गया। आप समझ सकते ना आप लोग भी जो नहीं इशू चाहिए कितना डर बैठ जाता बहुत। लेकिन काफ़ी समय पहले तो मेरा एक ब्रदर भी आ गया इशू च, मैं उन्होंने भी गालां कढ़दा ही, बुरा भला बोलता ही, तू किहड़े पासे लग गया, तू क्यों अपना धर्म बदल लिया। लेकिन उस तो बाद उन्नी दिन हालात इन्ने सी, मेरे उत्ते पैसा लगा, फादर साहब का भी एक्सीडेंट हो गया, फाइनैंशियल बड़े कमज़ोर हो गए। एक मैं काम मिला, मैं छोटा मोटा ठेकेदार सी उन्नी दिन, तो मैं दूसरे शहर जाना पैना है। तो मेरा विआह मेरी मर्जी ना होया है, मतलब जिदा घर दे कुड़ी वेख के विआह करते उदा नहीं होया सी। तो मेरे घर दे कितने ना मेरी वाइफ नू ना लाइक नहीं करते, वो तो बड़ी चंगी है, लेकिन शायद मेरे घर दे थोड़े अगे पिछे सी ते उन्हूं लाइक नहीं करते। तो मैं सोचा मैं तो एक महीने लिए जाना, कॉन्ट्रैक्ट फड़िया तो ये की करेगी। मेरा एक ब्रदर ही जिहड़ा यीशु च ही, पर उहदे नाल मेरी बनदी ही, मैं उत्थे छड्ड दिता है ना, वो सिटी च रहिंदे ही। तो मैं कहा कितें भी जरूरत पएगी रात बरात तो इत्थे ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन वो जो मेरे बेटे नू हालात आते ही तो वो थोड़ा थोड़ा दसते, ज़्यादा तो उन्होंने नहीं पता।
लेकिन थोड़ा दस दे जो तुम प्रे कराई इदा कराया थोड़ा पला जाना इदा होना ना अच्छी चीज़ दस दे। लेकिन एक दिन मेरी वाइफ ने मैनू कॉल की पी सी ओ तो उन्नी दिन ये 2002 की गल है हाँ 2002 तो पी सी ओ तो कॉल की जिस कोठी असी काम लाया सी उत्थे फोन लगा सी ना लैंडलाइन पुराने जमाने दे ना तो उन्हें मैनू कहा भी बहुत बीमार है अपना वरिंदर तो मैं प्रार्थना करा ला इतों मैं तो बहुत बुरा भला बोलता उन्होंने मेरे अंदर गुस्सा ही बड़ा है यीशु मसीह लई तो उन्हें चलो फोन कटता चुप कर गई पर मैं बाद सोचता रहा डरता रहा की बनू की होएगा ना सोचता रहा। दो दिन बाद फिर गल फोन आया फिर उन्होंने दसिया कि नहीं दवाई काम कर रही हालात बहुत है दीदी तो फिर उन्हें कहा मैं प्रार्थना करा ला पता नहीं मेरे मुँह चो कि निकला मैं क्या चल करा ला सवेरे सिर फोन आया जी उस बाद चलो फोन कट्टिया गया वो चले गई मैं रात कि 8:30 बजे फोन आया कि मैं जदों की प्रार्थना कराई अपना वरिंदर बिल्कुल चंगा है ठीक है। अच्छा उस तो बाद मैं उस रात सोया ही नहीं मैं यही सोची गया यीशु कौन है मेरे अपने मैं जो कुछ सोचता सी मैं हर जगह गया मेरी किसी ने नहीं सुनी जिन्हें अगे मैं सिर चुकया मैं अपने आप को नवाया मैं ये किया पर जितों मैं नफरत की उन्हें मेरे बेटे ने भी चंगा ये कौन है यीशु मैं इनू जानना चाहना तो जानने के लिए हूँ मैं उन्होंने मिलना पैना ही पास्टर जाके है ना बहुत सारे लोग बस कहते जी सानू ठीक करो आमीन हालेलुया अच्छा भी पंगा पै गया हालेलुया तो जो मैं वापस आया ना तो मैं वापस आया तो मैं क्या मैं लैके जाओ उ जितों तुम इन वरिंदर ठीक होया वो जदों उ गया मैं तो वो तो लोग उ इदा भुड़क भुड़क के प्रार्थना कर जो मैं उ गया तो मैं होर ठोकर जी खा गया मैं वो भुड़क भुड़क बीबिया तो मैं सोचा की कर दे उची उची हालेलुया हाले जिदा है ना इतने भी बोल रहे जो लागे बन्ने लोग उन्होंने नहीं पता हालेलुया का की मत बोलिया उन्होंने ठीक नहीं लगना है कि नहीं लगना मैं मैं बुरा जहा लगा उ जाके मैं ही कित कर दे सकती मैं पसंद ही ना आए कि ना आए मैं क्या भी मैं जाना चाहना वापस मैनू मैं होर गलबात करना चाहना वो कह बह जाओ गल करनी है ना तो मेरा मन जाने लगे क्योंकि रौला बड़ा पान इसलिए असं अपनी संगति बहुत रौला नहीं पाते क्योंकि मैं सीख चुकया ही बोलो मैं सोचता नवे भी आन तो उन्होंने समझ आनी चाहिए आप रौला पा के की लेना सो इस करके असी जो कुछ भी बोलते सीखते हैं वो सही ढंग नाल होना चाहिए बोलो की होना चाहिए आमीन। मेरा विश्वास है जबरदस्त जिंदगी पाओगे तुम थोड़ा भी है या नहीं तो यस तो अगे अगे कुछ बोलन दे बाकी दे हाँ जी बोलो ना अपने मुँह तुसी जब तक यस नहीं बोलोगे अपनी हाँ नहीं परमेश्वर के रखोगे वो कम नहीं करेगा याद रखना उदा नियम है कि वह इंसान की मर्जी के खिलाफ कम नहीं करता वो दुष्ट आत्मा जरा जबरदस्ती ताकि जिंदगी कम करता तुम कंट्रोल करता तो नुकसान कराता पर परमेश्वर जिन्हें दुनिया रची है जोड़ा परमात्मा परमेश्वर है वो उदों ही काम करेगा जो आप सामने जावे अपनी मर्जी को रखा परमेश्वर आ गल और उस गल बिलीव करा हाँ फिर वह काम करेगा। सो मैं तुम्हें तो दसना चाहना कि मैं यीशु इदा आ फिर मैं बड़े क्वेश्चन रखा पास्टर जी के सामने पास्टर जी मेरी गल का आंसर ना देन मेरी सैटिस्फैक्शन नहीं हो रही है ना तसली भी चाहिए ना जी गल मेरे अंदर चल रही जवाब भी चाहिए अच्छ बहुत सारे लोगों को कोई गल गुल ना मतलब नहीं है वह कहते बस ठीक कर दो जी मनुष्य इस तरह का इंसान है कि वो चाहता सब कुछ ठीक हो बोलो मेरे लिए वधिया होवे साडे घर सब कुछ शांति रहे पैसा रहे सब कुछ अच्छा रहे वो चाहता सब कुछ ठीक हो लेकिन ये तो चाहता पर होना किदा ये चंगी तरह समझना नहीं चाहता यह प्रॉब्लम है मनुष्य की बोलो मनुष्य की प्रॉब्लम की है
ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਹੋਵੇ, ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਹ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਾ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਨਾ ਲਗਭਗ ਮੌਤ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੰਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ। फर्स्ट दिन के वीडियो को, लेकिन हम आपको बताना चाहते कि वहाँ पर खुदा के दास 2 दिन तक रुके, और पहले दिन खुदा के दास ने परमेश्वर के वचनों के द्वारा वहाँ पर लोगों की नींव को मजबूत किया, परमेश्वर के वचनों की पावरफुल बातें लोगों को बताई, जिन्हें सीखने के बाद लोगों के मन मजबूत हुए और उनमें आत्मिक हया बढ़ा, और फिर परमेश्वर के आत्मा ने परमेश्वर के दास को अगुवाही की और उन्होंने बोला कि दूसरे दिन लोगों के जीवनों में बड़े काम होंगे। तो आइए हम देखते हैं दूसरे दिन के वीडियो को। ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਭਲਾਈ ਲਈ, ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ, ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਹਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਹਾਨ ਆ, ਉਹ ਸਮਰਥੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਿਥਵੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ, ਮਤਲਬ
ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ, ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਵੀ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬੋਲਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੋਲੋ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹੈਂ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਵਨ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਵਨ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬੋਲਾਂ, ਬੋਲੋ ਚਾਰ, ਚਾਰ ਬੋਲੋ ਵਨ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਚਾਰ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਚਾਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਛੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਦਸ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਹਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਰਚਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਨੇ, ਪਰ ਰੱਬ ਕੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ? ਕਰੋੜਾਂ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ, ਸੋਚ ਕਰ ਦੇਖੋ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਰਚਣ ਵਾਲਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਆ? ਅੱਛਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰਚਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁਣੀ ਕਿਵੇਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ, ਪੂਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ, ਪੂਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋ ਹੀ ਬੁਲਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ, ਜੀਭ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀ, ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੋ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਭ ਉਹਦਾ ਟੇਸਟ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਇੱਕੋ ਟੇਸਟ ਹੁੰਦਾ? ਸੋਚ ਕਰ ਦੇਖੋ, ਹੈਰਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੀਭ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਈ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਭ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਆ ਟੇਸਟ ਕਰਨਾ, ਸਵਾਦ ਚੱਖਣਾ। ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਪਤੀਲੇ 'ਚ, ਲੱਖਾਂ ਜਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੌਮਾਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਟੇਸਟ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਟੇਸਟ ਆਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਭ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਆ? ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਆ? ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਡੀ ਔਰਗਨਸ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ। ਸੋਚ ਕਰ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੈਸਟ ਲਾਈਫ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲੋਂ ਆ, ਜਾਂ ਡੱਕੇ ਡੋਲੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀ? ਬੋਲੋ ਬੈਸਟ। ਤਾਂ ਬੈਸਟ ਲਈ ਫਿਰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੱਤੀ 5 ਅਧਿਆਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, 5 'ਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇਗਾ, 6 ਅਧਿਆਏ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇਗਾ, 7 ਅਧਿਆਏ 'ਚ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ੇ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇੱਕ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਉਹ 5 ਦੇ ਆਏ, 6 ਦੇ ਆਏ, 7 ਦੇ ਆਏ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ, ਪਰਸੋਂ ਉੱਥੇ, ਉੱਥੇ, ਇੱਥੇ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਕੇ ਏਰੀਏ, ਇੱਕੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਇੱਕੋ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਮੱਤੀ 7:24 ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਦੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਮਨੁੱਖ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾ ਲਿਆ? ਚੱਟਾਨ 'ਤੇ। ਸਾਰੀ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਟੀ ਟੀ ਐਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚਲੋ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਈਏ,
ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੀਵਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਆਮੇਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਈਸ਼ੂ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰਾਜ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਬਾਈਬਲ ਜਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ 'ਚ ਬੜੀ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰਦੇ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਇੱਧਰੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਇੱਧਰੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਸੋਚਦੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਵਚਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵਚਨ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ, ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ, ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ, ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੁਛ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ? ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਾਏ ਊ ਈ ਇਹ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਸਟ ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਹਾਸਾ ਰਹੇਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਹੋਣ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲੇ। ਅੜਾ, ਅਗਰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਮਰਥੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਈ? ਖੁਸ਼ੀ, ਖੁਸ਼ੀ, ਆਨੰਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਸੂਰਜ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਲੀ ਕੁ ਜਿੱਡਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਾਤ ਜਿੱਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ? ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਰਕ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋ ਪ੍ਰਾਤ ਕਿ ਜਿੱਡਾ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ? ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ? ਹੁਣੇ ਵੀ ਸਰਚ ਮਾਰੋਗੇ ਤਾਂ 10 ਲੱਖ ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ। ਕਿੰਨਾ? ਅਰੇ ਬੋਲਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, 10 ਲੱਖ ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਏਡੀਆਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀਆਂ 10 ਲੱਖ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਸੂਰਜ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਾ ਕੁ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਸੋਚੋ, ਜਿਹਨੇ ਐਡਾ ਸੂਰਜ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੂਰਜ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ, ਮਤਲਬ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ, ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਾਇੰਸ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰੇ, ਸੋਚ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਕੱਲਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੂਰਜ, ਕਿਆ ਕੋਈ ਮਨੁਸ਼ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਕੇ ਕਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੇ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਅਲਾ, ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਅਲਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਲੈ ਲਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜੀ। ਤੋ ਕਿਆ ਮਨੁਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕੋਈ? ਸੋਚੋ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਤਰਤ, ਮਾਇੰਡ, ਦਿਮਾਗ, ਬੁੱਧੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਬੰਦ ਡੱਬਾ ਦਿਮਾਗ। ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਇਹਨੂੰ? ਬੰਦ ਡੱਬਾ। ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਡੱਬੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਬਸ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਐਸੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਮਿਲਣਗੇ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੈਸਟ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗ੍ਰੇਸ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਫੀਸੀਓ 'ਚ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਦੇਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕੋ ਕਿ ਉਹਦੀ ਲੰਬਾਈ, ਚੌੜਾਈ, ਉਚਾਈ ਅਤੇ ਗਹਿਰਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੀ
सामर्थ नाल भीतरी मनुष्य अंदरों अंदरों ये सामर्थ दे कि तू ही जान सको उदी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई गहराई उन जड़ा एक बंद डब्बा दिमाग हो की जानेगा परमेश्वर दी लंबाई चौड़ाई गहराई ऊंचाई अगर मसीह विच प्रभु च आके सच विच आके भी आपां इह गल समझ नहीं पाए तो फिर कादी जिंदगी फिर नाम दे ही मसीह हो गए ना साढ़े विचार भी उही पहलां वाले छोटे छोटे विचार छोटिया छोटिया गल्लां छोटे छोटे अजीब तरीके प्रभु ने तुहानूं बहुत वड्डे लई बुलाया प्रभु यीशु मसीह ने कहा किसी भी गल की चिंता ना करो ना खाण दी ना पीण दी ना पहनण दी क्योंकि अन्य जाति लोग इन्हां सारियां चीज़ां की खोज ने मेरा विआह कित्थों होएगा घर कित्थों बनेगा ये कित्थों होएगा वो कित्थों होएगा पर सानू प्रभु ने की किया तुहानूं किसी भी गल की चिंता करने की लोड़ पर उहदे चिंता ना करो ये क्या कित्थों होएगा वो कित्थों होएगा पर उहदे लई परमेश्वर ने कहा कि कर ले भी किदां होएगा होएगा किदां तो मत्ती 6:33 विच यीशु मसीह ने गल कही कि तुसी सब तो पहला परमेश्वर दे राज्य ते सच्चाई दी की करनी है खोज समझना अगे वधना उहदे राज्य नू उहदे सच नू ते सारियां चीज़ां जिहदे मगर दुनिया भज रही है वो तुहाडे पिछे आ जानी है आमीन एक कहानी है जिहड़ी मैं बोल रहा कि पवित्र वचन है जड़ा पूरा होना है बचपन से छोटे होंदे क्या लगती तेरी बहन है अच्छा तेरे दुष्ट आत्मा आता है प्रभु में कब से हाँ आंखें बंद करो प्रभु ईश्वर चलो शैतान छोड़ दे इसको ये देखो पाइस भी और कैसे इस पर दुष्ट आत्मा था करने दो मैं कौन है वो तो ओ शैतान इधर आओ तू ही भाई क्या लगता है इसके ये पति है हस्बैंड है श्वास करता है यीशु पे आज तो ये ठीक हो जाएगी ठीक है चल चल शैतानी आत्मा छट ये देख मेरी तरफ शैतान ओए मक्खी मच्छर क्या है तू ये देख मेरी तरफ देख मेरी तरफ ये देख कौन है तू जंडाला पीर है जंडाला पीर झंडा वाला पीर हाँ जी इसको क्यों पकड़ा तूने अपनी है जुत्तियां पड़ेगी तुझे बहुत सारी पड़ेगी ना चल निकल छट अब इन जीसस फ्री जाओ आज के बाद नहीं आएगा भाई देख इसको मेरी तरफ दिखाओ फ्री फ्री इन जीसस शट अब उठो अब नहीं आएगा हूँ सही है चल जा फिर सही है दे परमेश्वर ने तेनू सही करता ठीक है इनू अखा बंद कर चल शताने दे अंदरों निकल शट अप निकल छड़ दी बॉडी शट अप फ्री चल जा तू ही फ्री एड़ियां दर्द करती अभी भी कर रही 3 साल से प्रभु में चलो Shut up! Shut! Jesus! Out! गंदी आत्मा इसके शरीर को छोड़ अभी हुक्म देता तुझे Out! Shut up! Free! Shut up! Free! चलो चलो फ्री हो रही तुम फ्री चलो देखो इसको बोलो चेक करो जो भारी बंदा मांस बड़ा था उससे जो जूटर्स में प्रॉब्लम थी अब है नहीं जी हाँ। हल्का पूरा झुकने में बैठने में जो प्रॉब्लम चेक करो फटाफट हाँ ये ऐसे कर रही थी तुम पहले ऐसे बैठने से क्या हो रहा था पहले तुम्हें भारी बंदा यूट्रस में अभी
अभी है यूट्रस में बारी? ठीक है जी। ठीक है अभी ओके हो? तारीफ करो परमेश्वर की, तारीफ करते जाओ, परमेश्वर सुना और हील कर रहा है लोगों को यीशु मसीह के नाम से। इसी समय जो छाती में जाम है, सांस चढ़ती है, क्लियर 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 फ्री क्लियर नेम जीसस फ्री। अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं अभी फ्री शट। इस क्षण अंधकार का गंदा रोग, सारी जो छाती जाम है, सांस चढ़ता है, फ्री फ्री जीसस फ्री। इसको नोट हो, चक्कर हो अब देख, सांस सांस चक्कर जो प्रॉब्लम थी, अभी चढ़ रहा है सांस, चढ़ रहा है सांस, अभी हील हो गया। ये देखो कितनी स्पीड से, अरे मेरे सामने जब आया था सांस चढ़ रही थी, उसी क्षण खुदा ने इसको शुरू लिया, अभी खुदा ने काम कर दिया। 10-12 साल से इसको प्रॉब्लम थी, 10-12 साल से परमेश्वर ने काम कर, घुटनों में दर्द है, जाए दर्द छट 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 नेम जीसस, दर्द जाए घुटनों का भी राइट नाउ, जब से भी ये दर्द है घुटनों का आउट आउट छट 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 फ्री 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 नेम जीसस। उठो उठो जल्दी से, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ, अभी तेरे घुटनों का दर्द जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, फ्री। खुदावंद आप शूरे से पूरा दर्द इसका जाए घुटनों का, फ्री फ्री बिलीव है। अब बैठ के देख, बैठ के देख, घुटनों का दर्द चेक कर ले, देखो बैठ के मार रही है, तारीफ करो खुदा। चलो है आपके साथ है? एक साइड पासा भी मारा है ना, एक साइड, और रीढ़ की हड्डी में क्या नुकसान है इसका? चलो मनको में दब गए, चलो दर्द है, हिला नहीं जाता, झुका नहीं जाता, ऐ नहीं होया जाता, नीचे झुका नहीं जाता, इतनी प्रॉब्लम है। चलो परमेश्वर तुझे शुरू है यीशु मसीह के नाम से, खुदा तेरी जीवन शक्ति इसी समय पवित्र आत्मा काम कीजिए, दबे हुए मन के जो गर्दन के नीचे वो काम करे, ये दबे हुए मन के अपनी जगह सट, अंधकार की बीमारी आउट, फ्री। देखो अभी हाँ घुमाओ, ये देखो क्या हो रहा है, ये देखो हालेलुया, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है ये है सामर्थ खुदावंत की, झुक झुक आगे झुक, सब कुछ करके देख, हाँ घुमा गर्दन को अब देख, ये देखो मन के दबे हुए थे तीन गर्दन के, हिल नहीं पा रही थी, हाँ ऊपर ऊपर खड़ी हो, खड़ी घुमा घुमा, ये देखो आगे घुमा, ये देखो दर्द है, अभी दर्द है, ये कितना घुमा रही हो, हील है, तारीफ करो इन नेम जीसस। ऐसे लोगों को थोड़ी और जरूरत है कुछ चीजों की, ये पूरी गवाही रिपोर्ट के साथ आ चुकी है, चल 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 नेम जीसस, चल निकल जा इसके शरीर से गंदी आत्मा, छोड़ दे इसका शरीर, पीछे जाते जाओ, जो लोग प्रार्थना हो रही है उनकी पीछे लाइनें लगवाओ, उनको खाना खिला दो, जो लंगर बना है इन्हें खिलाते जाओ, पीछे बैठाते जाओ लोगों को, जो इधर से प्रार्थना करते पीछे जाकर बैठते जाओ, फ्री। हाथ रखो इसके पेट पर, छट छट सारा रोक जाए, फ्री फ्री। चलो उठो इसको, बोलो उठो उठो, चक्कर हो चक्कर, काफी सालों सिर दर्द पेट दर्द ये था वो था, बारी बन सारा खत्म, अब ओके हो है? चलो प्रभु में नहीं है पहले से, जाओ फिर शूलिया तुझे परमेश्वर ने आज यीशु नाम से, गंदे सपने जो भी कंधे में दर्द छट आउट, फ्री फ्री नेम जीसस। चकरो चकरो शाबाश, इस बाइक के कंधे में 5 दिन से दर्द था, लेकिन आज ही आपके द्वारा प्रेयर करने के बाद इनका दर्द बिल्कुल जा चुका है, आमीन। तुम्हें बिलीव है? चलो धन्यवाद परमेश्वर, इसकी जिंदगी में काम कर चुके परमेश्वर, जो भी इसकी टांग में प्रॉब्लम है परमेश्वर, कब से, बचपन से, खुदावंद आज शो पवित्र आत्मा शो, इसकी टांगों में जो बल नहीं है, बल आए, जो नाड़ियां आगे पीछे, ये बीमारी जाए, शट शट
शट शट फ्री फ्री जीसस उठ उठ कर सीधा खड़ा हाँ बोल परमेश्वर धन्यवाद हाँ खड़ा जा डरना नहीं पूरा सीधा खड़ा मेरी तरफ देख सीधा खड़ा जा हाँ खुदावंद तेरी जीवित शक्ति इसके अंदर काम करे इसकी जो टांगे हैं वो सीधी हो जाए जो भी ये रोग है इसके टांगों के अंदर मुझे पकड़ ले पकड़ ले पकड़ ला पूरा मुझे अच्छे से थोड़ा चल अब मुझे पकड़ कर चल थोड़ा सा बस अब खड़ा जा यीशु नाम से जिंदा खुदा जो भी ये बीमारी है गंदी अंधकार की खत्म हो जाए ये बीमारी खत्म हो जाए नेम जीसस फ्री अब चल छोड़ कर चल थोड़ा थोड़ा हाँ चल चल हाँ पीछे जो थोड़ा थोड़ा चलने दो उसको देखो तारीफ करो जीसस अरे दौड़ना नहीं आराम से आ भी आराम से आ इतना ही बड़ा आ गया तो इतनी दूर से चलकर वापस आ गया सोच कर देखो सोच कर कितना बड़ा जिंदा खुदा है अभी पावर ने काम किया हाँ जी पूरा दौड़ कर आया हाँ जी ये देख लो खुदा जिंदा है अरे इसको खड़ा भी नहीं हो जा रहा था तारीफ करो अब सिर की नसें हाँ जी नाड़ा खिंच दिया ने दो साल हो गए नाड़ा खिंच दिया हाँ जी सिर दिया खिंच दिया ने सारे सिर से दर्द रहता तेरे दे थे हाँ जी हाँ जी अभी है हाँ जी चलो आंखें बंद करो पिता परमेश्वर इस क्षण जो भी दिया नाड़ा खिंच दिया दिमाग दिया और गर्दन से दर्द आओ आओ छट फ्री सारी अंधकार दी मात की जाए शट आओ चलो देखो अब घुमाओ घुमाओ मेरे सामने घुमाओ जो नहीं हो रहा था अच्छे से हाँ देखो सही है दर्द है नहीं है तारीफ करो जोर से अभी पहली बार आई अब देख बीमारी कहाँ है अब तो है नहीं सिर में दर्द तारीफ करो दो साल से तड़प रही है पहली बार आई यीशु मसीह में पूरा देख लो इलाज होकर नहीं हो रहा अब तो नहीं हो रहा ना अब बनी रहना यीशु मसीह में ऑनलाइन जाओ तारीफ करो यीशु मसीह के नाम से कितने चर तो दर्द है तेरे लक्ष चार साल हो गए जानी नहीं भी है होनेगी ना चलो अखा बंद कर खुदाबंद पवित्र आत्मा शिष्यो राइट नाउ सारा दर्जा अंधकार छट नेम जीसस सारी नेगेटिविटी दर्द छट फ्री 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 नेम जीसस छट चलो रोना नहीं चक्कर भाई चक्कर वो चौके देख बह के देख अगे नो अगे नो कितने गई भाई गायब होगी पापा जी तारीफ करो जोर से तारीफ करो गायब होगी कहना चार साल की दर्द कहानी नहीं है देख अच्छे से जिंदा खुदा आया तुम्हारे घर में यहाँ आमीन हाथ रखो इसकी चेस्ट के ऊपर इन्फेक्शन का है हाँ रखो रखो फ्री फ्री जीसस आगे लाओ शट आउट इन्फेक्शन दर्द आउट फ्री चक्करो गई हल्कापन लग रहा है पूरा दर्द दर्द चक्कर दर्द नहीं है ना तारीफ करो यीशु मसीह के नाम से चलो शैतान की तो मुंह बड़ो ना ये पूरा बेवकूफ शैतानी मेंटल दुष्ट आत्मा चल छट कौन है तू नाम की तरह दुष्ट मैं देख वो पियो नु देख दुष्टा की नाम तेरा की नाम तेरा तुसी जानते हो नहीं तेरे को सुनना मैं तू बोल अपने मुंह मैं तो गलती से बोलू है? मैं तो गलती से बोलू गलत बोलेगा हाँ। तेरे जुतियां मारू फिर सही बोल चल बोल कौन है बोले सुने तू कौन है मेरी तरफ देख बोल कौन है दुरुस्त आत्मा दुरुस्त है तू पहले दुरुस्त है तो तेन दुरुस्त कर देना आप चल शट आउट फ्री
shut up, free. निकल. गंदी बुरी आत्मा इसके शरीर को छोड़. निकल. Shut up, free. चलो, देखो इसको बोलो अपनी बॉडी. तीन साल हो गए ते हुण अगे नाल बड़ा फर्क अगे ते मैं चल फिर भी नहीं सकदी सी. पूरा ठीक होना है इतना मेरे को अज. अगे नालो नहीं पूरा पूरा. हुण भी सुपने विखा ले जे राती लाई रखदा बस. ओ अज तो खत्म होदा काम. चल अखा बंद कर. खुदा तेरे दित्ते अधिकार नाल जो गंदी बुरी आत्मा सपने गंदे देने वाली शरीर च दर्दा प्रॉब्लम शट आउट फ्री पूरी बॉडी. चलो फ्री. चेक करो अभी मुंचे करो पूरा शरीर. जाओ ओके जे ओके जे. बस बने रहे जाओ. जो सिखिया वो गल बने रहो जड़ी शिक्षा लई तुम प्रभु दी कुछ बनना तुम ये वाली. चलो सपने भी गंदे आने हैं. गंदे सपने. नशा करता कोई नहीं करता पापा फोन छाड़ता नहीं अब गंदा है गंदी दवाई. अच्छा ये दवाइयां खाना है. दवाइयां चले भी जा रही है. यीशु नाम खुदाबंद सारा डिप्रेशन दुष्ट का गंदा प्रभाव दिमाग के अंदर डिप्रेशन दुष्ट का जाए शट अप फ्री नेम जीसस हील हो जाए. अभी यीशु मसीह नाम हील हो जाए सारी गंदी आत्मा शट शट. देखो कितना कड़ा रही शैतानी आत्मा. ये देखो अभी शट अप शट शट अप फ्री फ्री. हाय दर्द हो गया. हील हो जाए यीशु मसीह. दर्द हो गया पर नहीं गई क्या काम क्या. यीशु नाम से शैतानी गंदी आत्मा पूरे शरीर को छोड़ दे शट. इसका मथे पर हाथ रख. हाथ रख इसके शरीर के आउट. गंदी आत्मा छोड़ इसकी बॉडी को राइट नाउ शट. ये दर्द जाए यीशु मसीह छोड़ दे फ्री फ्री. चलो उठाओ से चलो उठो उठो भाई. तेनो याद कर रहे परमेश्वर कितनी दवाई खा रहा डिप्रेशन दी. देखो खड़ा हो इधर मेरे सामने. बस क्या प्रभु आज तू मेनू शांति दे रहा शांति दे अशुरिया मेनू पूरा चंगा कर रहा. पिता तेरी शांति काम करे तेरी बरकत काम करे. अभी सारा डिप्रेशन दर्द चकड़न फ्री फ्री नेम जीसस फ्री. जान दो बच्चे फ्री. धन्यवाद करके उठ. दस मैं की होया मैंने छू लिया तू. मैं चंगा हो चुका. बोल मैं चंगा हो चुका. देख अपना शरीर बॉडी देखो पूरा. देख शरीर देख जो नहीं हो रहा था. हल्का है पूरा. दर्द गया. दर्द भी गया. पेट वाला दर्द गया. पेट वाला कितना ही बड़ा जबरदस्त होया. बड़ा जबरदस्त आज आज ते हुन देख रहे थे. मैं ना खिलरू है. ऐ लग रहा खिलर गया तू बाजा. इतनी गंदी आत्मा बैठी है तेरे अंदर. चल देख पूरी बॉडी. देख हेड का मार के देख. देख कौन प्रॉब्लम है कोई. सिर्फ जो जो डिप्रेशन सी हल्का है. चले संडे अमृतसर पहुंचना ही. उस तो बाद हमेशा नहीं तू फ्री. आज तो फ्री है. वैसे आत्मा ने क्या अमृतसर आ ली. जाओ नहीं और नहीं लेनी कोई दवाई नहीं चाहिए तेनू. अरे 5 दिन की दवाई 1 दिन च खाना ना. मौत ही नहीं रही. आज तेन आजाद करता ही. इन संडे लेके आई मेरे को. पास आती है 12 साल से. प्रभु में कब से 2-3 साल हो चले. आज हो जाए काम. बड़ा चमत्कार हो जाए. हाँ जी. आंखें बंद कर. ये पस आती है या वो जो बोलते हैं लकोरिया. लकोरिया रिपोर्ट च नहीं होता. हाँ पस आती है. चलो अंधकार का गंदा रोग पेशाब में जो पस आती है ये 12 साल का गंदा रोग छट. इस गंदी बीमारी को कमांड करता हूँ. इसके शरीर से आउट करता हूँ. निकले छट छट. अंधकार की गंदी बीमारी छट फ्री. अभी सारा कुछ ठीक होने जा रहा है. प्रभु यीशु तेरी जीवित शक्ति दी पूरी बॉडी च काम करे. बीमारी आउट. पूरे शरीर च चकड़न दर्दन आउट छट. खड़े हो चक्कर अच्छे से देख. अगे आगे 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 जगो जो दर्द थे जकड़न था सारा को देख. बैठ नीचे अच्छे से. हाँ ठीक है.
हूँ नहीं पास आएगी, लेकिन जो सीखा ना तू, जो सीखा जड़ी शिक्षा ये वाली च रहना नहीं आई च बन जा, ऑनलाइन भी आती टीचिंग ठीक है। अभी हो रही दर्द, कब से दर्द है? लगे तो आज ही हुई, पहला तो नहीं होंगी रही। चलो सारी दुष्ट आत्मा गंदी आत्मा चलो दुष्ट शट शट आउट। एक किसकी बेटी है इसको दुष्ट ने पकड़ा है? ये लड़की किसकी? तेरी बेटी है? तू ठीक हुआ था ना अभी? काम क्या करता तू? दर्जी टेलर मास्टर। दर्जियां था? अच्छा दर्जियां था। इसके अंदर ना एक दुष्ट आत्मा काम करता है, तुम्हें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा शिक्षा से, ये तो वो सही नहीं करेगा। चल शट शट आउट, छोड़ दे निकल फ्री, छोड़ दे इसकी बॉडी। चलो प्रभु में कब से हो? साल से, एक साल से। चलो इसको उठाओ, इसका नंबर नोट कर लो टीम। कई चीजें आनी पड़ेगी, समझानी पड़ेगी लोगों को। जो भी एक साल से दर्द है पांव गिरने से, शट शट फ्री 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 जाओ चक्करो। ओबीगी एक साल का दर्द था? हाँ जी एक साल। हे ला परमेश्वर कितना बड़ा है, तारीफ करते जाओ। तू ही थोड़ा बहुत परमेश्वर की तारीफ करा करो, तारीफ जाके जकड़न है ले दुष्ट भाई थे पहले बढ़िया। चल शट छोड़ दे इसके शरीर को, कमर दर्द, कमर में चकड़न, गंदी आत्मा छट। ये प्रभु कब से? 40 साल हो गए चकड़न। अच्छा तू कौन है ओए? इधर मेरे मुंह करके गल कर, की है नाम तेरा? ओ 40 साल या इधर इधर मेरा गल कर, कौन है तू, की नाम तेरा? कोई पता नहीं चलता। पता नहीं चलता मैनू के तेनू गंदी आत्मा इसकी बॉडी को छोड़ दे, जोड़ों को छोड़ दे। चलो इसको मतलब चेक करो अपनी बॉडी कितना उन्नो दर्द भी जाए। फ्री चलो बोलो उठो, अब दर्द है? बोल दर्द है? नहीं है ना? जाओ तारीफ करो परमेश्वर दी, जाओ है? केड़ी खारिश गुप्त हाथ रख दे। चल शतान छड़ छट निकल आउट जीसस। देखो सारे दुष्ट आत्मा लई फिर दे प्रभु जी, चल दे मेला दुष्ट आत्मा तो जानी नहीं। छट जीसस ला ला, खड़ा करो खड़ा करो खड़ा करो, इसके इसके आगे पीछे हाथ रखो, पेट में एक जना रख लो, कसके कसके ऐसे कसके 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 कसके। चलो शैतान छट छट निकल, सारी दर्द चुक जाए। लकोरिया लकोरिया के ब्लीडिंग क्या कर, गुप्त गुप्त रोग खारिश जाए। छट फ्री जीसस फ्री, इसको बोलो चेक करो, खत्म हो गया रोग इसका। देखो देखो अभी दर्द दर्द है अभी नहीं है ना? जाओ देखो अब वो बीमारी खत्म आज से, अब बने रहना ऑनलाइन हमारी शिक्षा में सही वाली में। खुदा ने ब्लेस कर चुके जो भी नेगेटिविटी है। शट आउट फ्री, इधर आ बहन क्यों नहीं देनो? पैरालाइज से कब बदलो? 2 साल तो जी। केड़ी साइड? एक साइड सज्जे वाली। ए वाली काम नहीं कर रही? करती है, बाकी पेन बहुत रहती है। अभी दर्द है? हुन ठीक है जी। अभी ठीक हुआ? हाँ जी। देख लो गवाही तेरी बन गई, कितने साल तो प्रॉब्लम ये? 2 साल तो। चलो पूरी फ्री हो जाए नेम जीसस। देखो पैरालाइज ने एक साइड पूरी दर्दी अभी फ्री होगी, देख ले चंगी तरह देख।
कोई दर्द नहीं? यस। तारीफ करो, हालेलुया, खुशी ना तारीफ करो, मेरी थोड़ी करनी, कैसी करनी तुम्हें? जब मैं अपनी करवानी है फिर तो मासा मना करूं, क्यों रहा तेन शताना? ये नाल कौन है? ये नाल कदों दा फड़िया नु? एनु 18-20 साल हो गए। प्रभु जी भी है 2 साल? 2 साल। आज कट दिए? कट दो जी। कितने पैसे देगा? जितने मांगोगे देंगे। हाल है? हाँ, एक और दुष्टा दा हाल चला है। एक तेरी ऐसी की तैसी शैतान। एक एक मैं एक शट आउट देख तेरी ऐसी की तैसी भाई शट देनु कौन है तू? की करता है जीवन जी? की करता है नू? ये दुष्ट ये खराब ही करता है। नहीं खराब तो करता, करता की है? चुप करो, आप प्रार्थना करिए। खुदावन लीवर छाती सारा रोक जाए, रीढ़ की हड्डी का जो दर्द है अभी जाए, नेम जीसस, यीशु मसीह के नाम से ये दर्द जाए, छट, राइट नाउ ये दर्द जाए, छट, छट, अभी ये दर्द सारा जाए। इसकी छाती और पेट पर आता करो, इसके छाती और पेट में, छाती और पेट में, यीशु के नाम से खुदा ये पावर काम करे, फ्री, फ्री, फ्री। चल गंदी आत्मा जो गुप्त में काम कर रही इतने साल से, 15 साल से, तुम्हें अभी हुक्म देता छोड़ से, शट, निकल, निकल, शट आउट, फ्री। देखो चेक करो, झुको, दर्द चेक करो, अच्छे से चेक करो, देखो है दर्द? दर्द है क्यों ना? काट होगी, काटी हुई है ये? गई नहीं? गई है ना, थोड़ी। कितनी गई है? बहुत गई है, थोड़ी माड़ी मोटी। ऐनी लगी माड़ी मोटी? हाँ। तो माड़ी मोटी भी जानी चाहिए, जानी चाहिए। जड़े इन्ने साल तो ऑपरेशन भी करा लिया, एक कुछ अजीब किस्म का दुष्ट आत्मा जड़ा प्रकट नहीं हो रहा, अंदर अंदर इन्हू खा रहा ही, लेकिन आज खत्म हो रहा है यीशु नाम। जो थोड़ी बहुत भी रहेगी दर्द जाए, छट 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 छट, फ्री। चलो देखो पूरी जल्दी, अब बनी रहना, जाओ लाओ लाओ। सब वीडियोस के द्वारा अभी आपने देखा कि कितने बड़े चमत्कार, कितने बड़े काम जो परमेश्वर ने अपने दास की आत्मिक मेहनत के द्वारा किए। तो ये फल है परमेश्वर के दास की आत्मिक मेहनत का, कि वो लोगों को उनके एरिया में जाकर मिलते, उनकी बात को सुनते और उन पर वर्क करते। हमारा ये विश्वास है कि आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ऐसी और भी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।